हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा सा सैड और इमोशनल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी लाइफ की जो पहली गाड़ी है, जो कि मुझे मेरे अब्बू ने गिफ्ट की थी, उसको बेचने जा रहा हूँ। तो उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। लेट्स मूव टू द स्टोरी फर्स्ट। यार, गाड़ी लेना ना हर लड़के का एक ख्वाब होता है। हमारे पेरेंट्स की कोशिश होती है कि वो अपनी इस्तेदात में रह के जहाँ तक भी हो सके हमें एक कंफर्ट, हमें एक ईज़, जितनी भी हमारी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। इस गाड़ी को तकरीबन मैंने दिसंबर 2021 में लिया था। मेरे अब्बू ने अपने पास जितनी सेविंग्स पड़ी थी उसको इस्तेमाल करके मुझे ये गाड़ी लेके दी थी। मेरी उस टाइम तो खुशी की इंतहा नहीं थी यार, कि मैं 70cc मोटर बाइक से एक डायरेक्ट 800cc की गाड़ी के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार कि क्या मेहरानी तो है, लेकिन जिसकी पहली गाड़ी होती है वही समझ सकता है कि उसकी अटैचमेंट और उसकी बॉन्डिंग उसके साथ क्या है। मेरे लिए तो ये जो मेहरान है ये किसी मर्सिडीज़ से कम नहीं थी। कार गाय के लिए सबसे ज़्यादा यही होता है कि उसकी जो गाड़ी है, उसकी जो चीज़ है, वो हर टाइम साफ़ रहे। इसी वजह से मैं इसको साफ़ रखता था। मैं कोशिश करता था कि इसके ऊपर कोई डेंट ना पड़े, ये ख़राब ना हो, ये गंदी ना हो। साफ़ रखने के चक्कर में ही मैं कभी कभी सुबह 11 बजे निकल रहा होता था, शाम को 4 बजे आ रहा होता था। इस गाड़ी को यूज़ करते हुए, इसके साथ मेमोरीज बनाते हुए मुझे तकरीबन 1.5 ईयर हो गए। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टूर्स करना, कलर कहार का एक टूर था वो मैंने अपने दोस्तों के साथ किया था। मुनाल बहुत दफ़ा गया हूँ मैं। मुनाल मेरी एक बहुत फेवरेट प्लेस है इस्लामाबाद के अंदर। मस्तियाँ भी की हैं, फ़न मोमेंट्स भी हैं। तो इन्हीं सारी मेमोरीज़ के साथ एक ऐसी चीज़ को अपने से अलग करना जो कि आपकी लाइफ की फ़र्स्ट एक अचीवमेंट भी है छोटी सी, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है। कल रात को ही इसके जो न्यू ओनर है उसके साथ डील हुई है। मैं सुबह सुबह आया था मॉर्निंग वॉक के लिए रेस कोर्स पार्क में, तो मैंने कहा मैं आपसे कुछ बातें करता जाऊँ। अभी चलते हैं फिर वापस, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालते हैं। इसका एक कार्ड होता है बायोमेट्रिक कार्ड, वो निकालते हैं, घर जाते हैं, नाश्ता करते हैं। डीप इनसाइड एक थोड़ा सा दर्द तो हो रहा है। चलते हैं फिर इसके न्यू ओनर को हैंड ओवर करने के लिए वाली गाड़ी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। अभी मैं जा रहा हूँ जी पार्किंग की तरफ। वाह वाह, क्या बात है। जब आपको अटैचमेंट हो जाए ना किसी से, उसकी कदर भी करते हो, उसका ख्याल भी रखते हो। तो मैंने ख्याल तो बड़ा रखा है इसका, वैसे ख्याल रखते हुए इतनी चमक रही है अभी भी। अभी चलते हैं घर, और घर से पहले ज़रा जंजेब साहब को कॉल करते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम लड़के, गुड मॉर्निंग। इंशाल्लाह अभी हो रहे हैं 9:03, मैं आपके पास आऊँगा 9:40 तक या 9:45 तक, ठीक है। आराम से उठ के चलो, फिर मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सवाल ही नहीं पता होता। A few moments later. फ्रेश होने के बाद और नाश्ता वगैरह करने के बाद, now it's time to go to the stamp paper shop, जहाँ पे मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ जहाज़ेब की तरफ। मेरी आदत है, मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो मैं अपने किसी ना किसी दोस्त को साथ लेके जाता हूँ। जहाज़ेब इज़ वन ऑफ देम। लेकिन आज जहाज़ेब को पता नहीं है कि वो मेरे साथ जा क्यों रहा है। उसका काम आज सिर्फ नोट गिनना होगा। तो अभी जाते हैं, जहाज़ेब को पिक करते हैं और उसके बाद जाते हैं जी रेंज रोड शॉप पे, ताकि हम जो न्यू ऑनर है उसको, ये वाली जो हमारी शहजादी गाड़ी है उसको हैंड ओवर कर सकें। इसका कोई इलाज नहीं है। इसको अगर मैं आधे घंटे पहले बताऊंगा इसने तब भी लेट आना है, इसको घंटा पहले बताओ इसने तब भी लेट आना है। ही ऑलवेज मेक्स मी वेट।
अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इसको मैंने घर से निकलते हुए बोला है कि भैया ना आप आ जाए, मैं आ रहा हूँ। लिटरली 2 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ से इसके घर का, लेकिन नहीं, ये वेट लाजमी करवाई गई है। बहुत बुरी आदत है जहाँ भी आपकी। ये देखो ये आप बाहर है, तुमने कसम खाई भी है मुझे वेट करवाने की, है ना? किधर वेट करवाया, मैं टाइम से आ रहा हूँ। आधे घंटे पहले बताओ इसने तब भी मुझे वेट कराना होता है, अगर इसको घंटा पहले बताओ इसने तब भी मुझे वेट करवाना होता है इसी जगह के ऊपर। अपने मोहल्ले से मोहब्बत करवा रहा हूँ। इतनी मोहब्बत ना करवाए, मुझे अपने मोहल्ले से वैसे ही मोहब्बत है, इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे। इधर रेंज रोड बैंक पे और मेरे सामने जो गाड़ी के न्यू ओनर है वो खड़े हुए, इनसे मिलते हैं जाके, इसके बाद अंदर जाके कैश वाला काम। गाड़ी मैंने यार हैंड ओवर कर दी है, एक चीज सिर्फ आखिरी रह गई है मेरे पास, इसकी चाबी। अभी चाबी उतारते हैं और बस एहतिशाम भाई को गाड़ी देते हैं। अभी सिर्फ बायोमेट्रिक करवाना है, ट्रांसफर तो ऑनलाइन हो जाएगी सारी। चले ओके अच्छा भाई, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, नसीब करे आपको, ठीक है? ओके भाई मुबारक हो भाई आपको, थैंक यू। लाइफ की पहली गाड़ी हो ना, अटैचमेंट तो होती है, बॉन्डिंग तो होती है उसके साथ। चैप्टर LWJ 2216 कम्स टू एन एंड। ये था आज का व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग और मेरी ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, तो मिलते हैं एक और वीडियो में।